This conference will now be recorded. This is the notepad. And this is the browser. Assalamualaikum मैम जी. अस्सलामुअलैकुम तौसीफ, आप हैं जी? हाँ मैम. ओके जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जनाब, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं हर स्टार्ट करते हैं. अगर आपको वो ईमेल अगर आप साथ साथ सब खोल के डिस्प्ले कर दें. मैं फर्स्ट पॉइंट नोटपैड में ले लिया हूँ. 8 points हैं, हम वन बाय वन डिक्लेयर कर लीजिए. ठीक है. अच्छा, पहले सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा तौसीफ की, ये जो पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए, क्या ये लॉजिकली सही पॉइंट्स हैं या आप समझते हैं कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो इस... मैं ये जी, मैं ये चाह रहा था कि आप पॉइंट्स के बजाय मैं जो फ्लो में मैं जो मैं वेबसाइट रखा हूँ एडमिन पैनल, अगर एक बार पूरा कंप्लीट आप देख लें तो बेहतर होगा. आप उसमें ये पॉइंट्स पूरे क्लियर भी हो जाएंगे और कुछ बच भी रहा है तो उसमें क्लियर हो जाएगा. अच्छा ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक फ्लो में आपके साथ चलते हैं. ठीक है जी. तो उसमें आप ये जरूर कीजिएगा कि आखिर में जब हम आप कंप्लीट कर लें तो हम एक दफा ये पॉइंट्स को रिव्यू किस तरह कर लेंगे कि ये हमने कवर किए थे या नहीं किए थे. ठीक है जी. तो उससे ये हो जाएगा कि उससे ये हो जाएगा कि हम काइंड ऑफ एक रिव्यू हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं कुछ पॉइंट्स रह गया बीच में. ठीक है जी. चले जी. ठीक है ना. चले जी. तो अभी आपने मैं जरा लेट मी जस्ट गो बैक क्योंकि मैं भी ऑलरेडी कुछ कर रहा था. तो जी बिल्कुल ठीक है जी. आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी मुझे स्क्रीन नजर आ रही है. आई बिलीव मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ स्क्रीन को, राइट? जी जी कर लीजिए. ओके मैं थोड़ा सा इसको जी. ठीक है सही है. आई एम गुड जी. तो ये हमारा होम पेज है. यहाँ से हम जब लॉग इन करेंगे तो लॉग इन एज ए एडमिन अलग रहेगा और लॉग इन एज ए नॉर्मल यूजर अलग रहेगा, यानी कि खाली लॉग इन क्रेडेंशियल्स अलग रहेंगे. जब लॉग इन एडमिन से लॉग इन होंगे तो हम उसको अलग क्या बोलेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड अलग रहेगा उसका. ठीक है. एडमिन एट AQTS डॉट कॉम बस इतना सही जी? इतना ही. ठीक है. और इसका पासवर्ड क्या है? कैप्स ए एडमिन @123. ओके दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज. admin@123. मैं आपको क्रेडेंशियल शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम. चले ठीक है. ये एस में सब स्मॉल में सब ये नहीं, ए कैप्स में. अच्छा ए ठीक है जी. अब हम इसमें लॉग इन हो गए जिस तरह लॉग इन हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड है, ये वाला. ठीक है. हम डैशबोर्ड से शुरू करेंगे. यहाँ पर डैशबोर्ड में जो है हमारे पास जितने यूजर रजिस्टर्ड हुए उनका काउंट आएगा, जितने कोर्सेस हम अभी तक अपलोड किए हैं उनका काउंट आएगा, हमको जितने ऑर्डर्स आए उनका काउंट आएगा, और जो अपकमिंग शेड्यूल कोर्सेस हम अपने कैलेंडर में रखे हुए हैं वो टोटल यहाँ पर आएंगे, यानी कि अपकमिंग आज की डेट से आगे. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताइएगा तौसीफ के, जैसे जैसे जो कोर्स की डेट एक्सपायर होती जाएगी वो हमारे कैलेंडर से माइनस होता चला जाएगा? जी हमारे फ्रंट एंड जो है यूजर का वहां से माइनस होगा, लेकिन हमारे डेटाबेस में तो रहेगा तो यहाँ पर हमको शो होगा. मैं बताता हूँ आप. तो इस तरह है. फिर हम जब इनिशियली हम जब करेंगे तो कोर्स जैसे हमारा CMS है, हम कोर्स ऐड करेंगे, राइट? जो हमारे 40 कोर्सेस हमने ऐड किए हैं मेन, वो कोर्स अगर कोई नया कोर्स ऐड करना है तो हमको यहाँ पर कोर्सेस है, कोर्सेस में ऐड कोर्स जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आएगा. इसमें टाइटल रहेगा पर्टिकुलर, जैसे कोई भी टाइटल आप डाल देंगे, जैसे कि ये डेमो AQTS में डाल रहा हूँ,
तो उसका URL ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अच्छा, URL ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, URL ऑटोमेटिक जनरेट होगा। फिर उसका जो कैटेगरी है, जैसे हमारे जो 10 कैटेगरीज हैं टोटल, वो कंप्लीट कैटेगरीज हम यहाँ से जो भी कैटेगरी पे हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरीज अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर मैं सेम दिया हूँ कोर्स कैटेगरीज, यहाँ से आप कोई नया कैटेगरी भी अगर ऐड करना चाह रहे हैं आप तो यहाँ कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। कोई कैटेगरी का नाम जैसे डालेंगे आप डेमो कैटेगरी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसका URL जनरेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। SEO से रिलेटेड है, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो अहमद जैसे है तो ऑटोमेटिकली उनके मेटा कीवर्ड्स वगैरह डाल दे सकते हैं। सर जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो हमने जो ये कैटेगरीज यहाँ सिलेक्ट किए हैं वहाँ जो कैटेगरी हमने डाले हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिस्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, सही है। फिर जो हमारा बैनर रहेगा पर्टिकुलर उस पर हम यहाँ से सिलेक्ट अपलोड कर ले सकते कोई इमेज। ठीक है, यानी ये हम बात कर रहे हैं कैटेगरी की बात हो रही है या कोर्स की बात हो रही है? ये अभी कैटेगरी तो हमारा ऐड हो गया तो अब कोर्स चल रहा है हमारा कोर्स में। ठीक है, तो सही है। हाँ, तो ये कोर्स जब हम क्रिएट कर लेंगे पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे फिर कोर्स पर जो हमारा बैनर इमेज होगा हम उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोर्स में जो मेटा कीवर्ड्स वगैरह टाइटल जो रहते हैं एसईओ से रिलेटेड हम वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन और ये मेटा कीवर्ड्स की क्या चीज है? ये एसईओ से रिलेटेड है, ये आपको नहीं करना है। जब एसईओ टीम अगर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली एडिट कर लेगी, आपको सिर्फ पेज क्रिएट करना है अगर करना है तो। ओके, ठीक है, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने नया कोर्स ऐड कर दिया है। जी हाँ, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, हमारा जो कंटेंट है पूरा ए टू जेड, जैसे कि ये वाला यहाँ से लेकर ये कंप्लीट जो हमारा डिस्क्रिप्शन है हम इस कंटेनर में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमको जिस तरह चाहिए हेडिंग, हेडिंग कहाँ पर होना चाहिए, फिर पैराग्राफ कहाँ से नया शुरू होना चाहिए हम यहाँ पर। सही है, सही है, मैं समझ गया। अच्छा, ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं वर्ड में जैसे मैंने बनाए हुआ कुछ ऑलरेडी मटेरियल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर ले सकते हैं आप? अच्छा, सही है। अच्छा, इसकी जो स्टैंडर्ड एडिटिंग हुई हुई है अभी वो किस फॉन्ट्स पे हुई हुई है? अभी तो नॉर्मल जो हमारा ये दिए थे डिजाइन, डिजाइन के हिसाब से मैंने उसको सेट कर लिया हूँ। ये जो हमारा डिजाइन है उस हिसाब से मैं सेट किया हूँ, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो दूसरा बॉक्स है ये उसके हिसाब से एडिट किया हुआ है कि ये हो गया। फिर उसके बाद बॉक्सेस रहेंगे, ये जो बॉक्स है हमारा कोर्स सर्टिफिकेट या फिर प्री रिक्विजिट, ये जो चार बॉक्सेस है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर। और ये जो पांचवा बॉक्स है हमारा, ये जो लास्ट में ऑन साइट साइटिंग है ना, ऑन साइट ट्रेनिंग, ये वाला बॉक्स, तो ये वाला वहां पर हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो ऑन साइट कोर्स है गालिबन इसमें कोई लिंक भी होगा ऑन साइट के फॉर्म के लिए, चेक कीजिएगा। वो है, वो ऑलरेडी मैं वहां दे दिया हूँ, यहाँ सिर्फ आपको कंटेंट डालना है। ये लिंक ऑलरेडी है, ये लिंक जो है मैं बैकएंड में दे दिया हूँ, मेरे कोडिंग में सिर्फ आपको इतना कंटेंट डालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बटन आ जाएगा, ये बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सही है, गॉट इट। फिर उसके बाद जो हमारा जो ड्यूरेशन है 8 आवर्स 16 आवर्स वो देना है। फिर क्लास का फॉर्मेट है, ऑनलाइन है या क्लासरूम है, ये दो है। फिर उसकी फी कितनी है, जैसे कि 500 डॉलर है, और उसमें आप जो 10% जो आप डिस्काउंट देना चाह रहे या जितना भी है नॉर्मल, अगर 10% यानी 50 रुपीज 50 डॉलर होता है वो दे देंगे तो 450 ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड फी आ जाएगी। यानी हम जब उसको डिस्प्ले में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप AQTS की वेबसाइट पे जाते हैं एक कोर्स के पेज के ऊपर, तो उस पेज पे तो ये एक कटीवी आती है, एक फिगर आ जी हाँ, जैसे जिस कहीं पर जब क्रिएट हो जाएगा तो 10% डिस्काउंट आपको हर जगह यहाँ पर, जैसे ये कोर्स ओपन करेंगे आप हर जगह आपको आएगी। जैसे कि अभी 1790 है, उसमें आपने डिस्काउंट दिया 179,
तो ऑटोमेटिकली जो डिस्काउंटेड प्राइस है 16911 वो ऑटोमेटिकली पॉप अप हो जाएगी। ओके ठीक है, यानी ये तीनों फिगर्स बेसिकली वही हैं जो भी हमने एंटर की है। जी हाँ, ये तीनों चीजें वही हैं जो मेन है 1790, फिर आपने 179 ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली 1611 आ गए। ठीक है, इतना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे कोर्स ऐड हो जाएगा, हमारा कोर्स ऐड होकर यहाँ पर आएगा एक कोर्स, ये कोर्सेस है हमारे। जैसे कोर्स होगा यहाँ पर हमारे ऑल कोर्सेज में यहाँ पर नया कोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कंप्लीट कोर्सेज लिस्ट है हमारी यहाँ, नंबर टोटल ऑफ कोर्सेज 40 है जिसमें से टॉप 10 दिखा रहे हैं हम आपको। अगर यहाँ कंप्लीट शो करना है यहाँ से, हम कंप्लीट ऑल कोर्सेज यहाँ हम देख ले सकते हैं। सही है, ठीक है। फिर आप जब कोई नया कोर्स ऐड होता है तो हम उसको एडिट करना है, अगर से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कोर्स है कम्प्लीटली यहाँ पर शो होगा। ठीक है, हम इसमें हर चीज एडिट कर ले सकते हैं। ये ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। कंप्लीट बॉक्स ऑन साइट ट्रेनिंग, ये सब 500 बॉक्सेस है, सही है। इसमें ड्यूरेशन है, फिर सिलेक्ट फॉर्मेट, ये सब यहाँ से हम एडिट कर ले सकते हैं। अच्छा, मैं पर्टिकुलर कोर्स का एडिट खोल के यहाँ से नए कोर्स के अंदर कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, राइट? जी हाँ, ये एज इट इज अगर कंटेंट है तो यहाँ से लेकर आप उसमें एडिट कर ले सकते हैं, एड कर। चलिए ठीक है, ओके, गॉट इट। ये हो गया हमारा कोर्सेस। यानी अभी हमने ये किया कि कैटेगरी, नई कैटेगरी क्रिएट की और उसके बाद जी अभी उसके अंदर एक नया कोर्स ऐड कर दिया उस कैटेगरी के अंदर। जी हाँ, तो ये हमारा जो मेन वेबसाइट है कंप्लीट ऐड हो गई, समझिए वेबसाइट और उसका कोर्स ऐड हो गया, कैटेगरी और उसका कोर्स। अब हम क्या करेंगे कि ये जो क्या कोर्सेस ऐड हुए उसका हमको शेड्यूल कोर्स यानी कि कैलेंडर ऐड करना है, पर्टिकुलर कैलेंडर में ये कोर्स ऐड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नया नया ऐड शेड्यूल, यानी कि कोई एक कोर्स आप कोई पर्टिकुलर डेट पर ले रहे हैं तो नया ऐड शेड्यूल करेंगे कैलेंडर में, और यहाँ पर जो हमारे पूरे कोर्सेस हैं वो लिस्ट हो जाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स, पर्टिकुलर आप जो अभी ऐड किया है वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा। जी, वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स है, जैसे कि अभी क्वालिटी मैनेजमेंट का है, आप टाइप कर भी उसको फिल्टर कर ले सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू SPC जैसे एक कोर्स सिलेक्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली जो उसका प्राइस है कितना था और डिस्काउंटेड कितना है और डिस्काउंटेड फी कितनी, ठीक है, तो हमारा एक्चुअल 580 है ये हो जाएगा। फिर स्टार्ट डेट क्या है आपको सेट करना है, यहाँ से स्टार्ट डेट उसका कोर्स का और इन डेट, ये दोनों भी पॉप अप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम ऐड कर देना है। जी हाँ, फिर जो टाइमिंग है ये टाइम आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, इस पर जैसे टाइमर पर क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको टाइमिंग सेट कर ले सकते हैं आप यहाँ पर, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद आप जो डिस्काउंट कूपन जो बोल रहे हैं हम यहीं पर ऐड कर लेंगे, सही है, राइट? ये पर्टिकुलर कैलेंडर, ये जो पर्टिकुलर कूपन है, ये कूपन मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो जनवरी का कोर्स है उस पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये कूपन सिर्फ जनवरी के कोर्स पे अपने। अच्छा, ये कोर्स मैं मार्च में भी ऑफर कर रहा हूँ, मैं जुलाई में भी ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कूपन की मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ जनवरी वाले कोर्स के कूपन की है। जी हाँ, तो ये जो कोर्स हम ऐड किए हैं या जो हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट जो दिए हैं उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कूपन, उस पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये सेशन है 18 दिसंबर का, तो ये दिसंबर मंथ में ये जाकर हमारे कैलेंडर में शो होगा कि ये दिसंबर मंथ में ये कोर्स है, ठीक है, गॉट इट। तो ये दिसंबर मंथ में आप क्या करेंगे यहाँ पर कूपन देंगे कि दिसंबर, सही है, आप 50 डॉलर का देना चाह रहे, फिर कोर्स नाम अगर आपको देना चाह रहे कि QIMTS जो भी आप देना चाह रहे आपके ऊपर कुछ भी दे सकते हो वो दे दिए, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट कितना देना चाह रहे हो कि $50, ये $50 ऐड हो जाएगा। और ये कूपन आप एक्सपायरी रखना चाह रहे हो तो कब से कब तक रखना चाह रहे हो, यानी कि आज की डेट से सपोज ये है 25 तक, यानी कि 1 वीक आप ये रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, कूपन वन होगा, ये $50 का रहेगा और ये 1 वीक के ड्यूरेशन में ही ये एक्टिव रहेगा। अच्छा, ये $50 का अगर यूज, जी सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, ओके, गॉट इट। ये एक कूपन हो गया, और आपका दूसरा कूपन सेम
क्रिएट करना चाह रहे हो, ये दूसरा नाम का कोई कूपन रहेगा, डिसम्बर 50 था या $100 का देना चाह रहे हो, $100 QIMS जो भी आप देना चाह रहे हो दे सकते हो। फिर ये $100 का जब आप कूपन देंगे और ये डेट सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर वो डेट के लिए वो कूपन एक्टिव रहेगा और उसको $100 ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ सही है, ठीक है, करें। इसी तरह आप चारों कूपन क्रिएट कर ले सकते हो एट ए टाइम, या फिर नहीं एक ही करना चाह रहे हो एक ही कर सकते हो, या नहीं कौन से भी नहीं करना चाह रहे हो, पूरे रिसेट करना चाह रहे हो ये रिसेट कर लो, और आप जो रखना चाह रहे हो बस वही खाली कोर्स ऐड करना चाह रहे हो तो कोर्स ऐड करके सबमिट कर लेंगे, कोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब ऐड होगा तो हमारा जो कैलेंडर है ये कैलेंडर कंप्लीट शेड्यूल्स हमारे यहाँ पर शो होंगे, जितने भी शेड्यूल्स हैं हमारे। अभी जैसे ये मैं डेट वाइज शॉर्ट किया हूँ ऑटोमेटिकली कि जो कोर्स हमारा एक्सपायर हो गया वो यहाँ पर आएगा, जो दिसंबर डेट वाइज हमारे शॉर्ट हैं पूरे ये अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी इस तरह आएगा। तो जो हमारे एक्सपायर हो गए, अब सपोज आज हमारा है डेट December 19, तो ये जो December का जो ये कोर्स है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे कैलेंडर में शो नहीं होंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये कोर्स ऐसे नहीं है कि जो डिसेबल हो जाए, मतलब कि ये हो चुके हैं अब ये बिल्कुल डिसेबल्ड नजर आए आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब कंप्लीट कोर्सेस है ना, उसमें कौन सा है कौन सा नहीं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो हिसाब से हमारे इसमें तो नहीं आएंगे, डेट के हिसाब से हम चेक कर ले सकते हैं कि कौन सा अभी एक्टिव होगा और कौन सा नहीं। ओके, यहाँ पर हमको फिर से अगर इसको एडिट कर अगर चेंज करना है तो मैं डिसेबल करूँ तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, वो हिसाब से मैं ये रखा। अब जैसे ये 19 जनवरी का है हमारे कोर्स कैलेंडर में, वहां से ही शुरू होगा, ठीक है, ये वाला ये जनवरी ये 19 जनवरी पहला कोर्स हमारा वही रहेगा, इससे पहले जो हमारे ये तीन कोर्सेस है ऑटोमेटिकली वो हाइड हो चुके हैं ये वाला। अच्छा, ठीक है, तो जैसे जैसे कोर्स की डेट खत्म होती जाएगी वो हाइड होते जाएंगे कैलेंडर से? जी, ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी प्राइमरीली आपका कोर्स उस दिन हाइड होना चाहिए जिस दिन वो कोर्स शुरू हो रहा है। जी, राइट राइट, सुबह जैसे ही 12 हमारा जो टाइमिंग है कि कोर्स आज शुरू हो रहा है तो आज शुरू होने से पहले ही वो कोर्स हाइड हो जाएगा। ओके, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है जी, ठीक है, इस तरह है। ये हो गया हमारा कंप्लीट कैलेंडर भी, आप इजीली अंडरस्टैंड हो गया आपको कैलेंडर और उसके जो कोर्स डिस्काउंट्स हैं। एक चीज आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैलेंडर आते हैं, जो AQTS का कैलेंडर आ रहा है, अगर हम उसको एक दफा देख लें वेबसाइट के ऊपर, जो बाजू आपने वेबसाइट खोली हुई है कैलेंडर की, तो उसमें ये ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा होगा? ये डिस्प्ले जैसा आप एडमिन में चेंजेस कर रहे हैं वो डिस्प्ले भी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा होगा? डिस्प्ले एग्जैक्टली ऐसे, आप जब वहां पर ऐड करेंगे तो पर्टिकुलर जो ये जो चीजें हैं एज इट इज सब आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, वहां जो आप ऐड किए वही मैं यहां पर पुल कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ऐड कर लो कर लीजिए ऑटोमेटिकली यहां पर इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है जी। अच्छा, सही है, ये हो गया, ये हमारे कोर्सेस हो गए। अब हम जो नॉर्मली है, अब जो आप देखना चाह रहे हो कि ये होने के बाद हम जाएंगे वन बाय वन जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अब ऑर्डर्स है, कोई कस्टमर के ऑर्डर्स है तो यहाँ पर ऑर्डर्स आएंगे, जैसे कि आपने लास्ट ऑर्डर किया था, ठीक है, कब किया था, अमाउंट कितना है और उसका स्टेटस फुल फेल है या सक्सेस है। जैसे कि अभी फेलियर था, मैं टेस्ट किया हुआ फेलियर है, जो सक्सेस हो गया वो यहाँ पर आएगा। आप देखना चाह रहे हो, व्यू करना चाह रहे हो तो यहाँ से व्यू कर ले सकते हैं, ठीक है, उसका ईमेल। अच्छा, सक्सेस होने का मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन थ्रू हो गई है और इसकी एक इनवॉइस जनरेट हो गई है, राइट? जी हाँ, राइट, ये वाली है, ये यूजर को भी ऐसे ही जाएगी कस्टमर को और आपको भी इसी तरह दिखाई देगी, यानी कि दोनों तरफ हमको ये प्रिंट शो होगा, इनवॉइस शो होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे ये साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ये किस कोर्स के अगेंस्ट आई है ये पेमेंट? जी हाँ, किस कोर्स के लिए है, कौन सा डेट, हाँ, और ये डेट भी है पर्टिकुलर किस डेट पर जो कोर्स है वो डेट भी यहाँ पर आई है। ठीक है, सही है, फेयर इनफ जी। फिर ये ऑर्डर्स हो गए कम्प्लीटली, तो इसमें ये हो गया। फिर अब इसमें कैसे है, कोई कस्टमर आप जो चेंज ऑफ रिक्वेस्ट जो रखे थे आप, एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर कर दिया है क्लाइंट और वो चेंज ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि हमको कोई डेट से नेक्स्ट डेट में जो अवेलेबल है वो
वो वहां पर सिलेक्ट करेगा, वो वहां जैसे करेगा तो आपको यहां पर ईमेल भी आएगा और एडमिन पैनल पे भी आएगा कि कितने चेंज ऑफ रिक्वेस्ट आए हैं। जैसे कि अब ये एक है। अच्छा, ये वेबसाइट पे चेंज रिक्वेस्ट कहाँ डाल रहा है वो, हमारी वेबसाइट पे एज अ कस्टमर? वेबसाइट पर तो नहीं रहेगा, जब यूजर हमारे पास रजिस्टर्ड होगा तो जैसे ये डैशबोर्ड है उसके लिए भी एक डैशबोर्ड है सेम एज इट इज, लेकिन ऑप्शंस ये जो हमारे पास है उसको अलग रहेंगे। ये मैं पहले एडमिन पैनल दिखा दे रहा हूँ आपको। तो उसका वो जब ऑर्डर करेगा तो उसकी ऑर्डर लिस्ट रहेगी, उसकी ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर रहेगा पर्टिकुलर एक्शन, ऐसे जो पॉपअप होगा तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा कि पर्टिकुलर ये अवेलेबल डेट्स, आज की डेट्स। अब जैसे कि ये 7 दिसंबर की थी, नेक्स्ट जितने भी 7 दिसंबर के बजाय जो जनवरी में फरवरी में हमारा सेम कोर्स अगर अवेलेबल है तो वो यहाँ पर पॉपअप होंगे डेट्स, ठीक है, वो सिलेक्ट करेगा और रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। जिन्होंने पैसे पे कर दिए और किसी कोर्स के लिए रजिस्टर कर दिया है, अगर उसमें से किसी बंदे की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मिस्टर ए की आती है और वो मुझसे कहते हैं कि भाई मैं जनवरी में नहीं मार्च में करना चाह रहा हूँ कोर्स, तो मैं ऑर्डर्स के अंदर जाके मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि उसको मैं जनवरी से मार्च में थ्रो कर दूं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जनवरी से मार्च में शिफ्ट हो जाएगी? जी हाँ, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है वो आपको फोन पर या नहीं करेगा, उसके उसको रजिस्टर्ड करना है ईमेल अपना, जो वो जो रजिस्टर्ड रहेगा उसके एडमिन पैनल में एक ऑर्डर ऐसे ही आएंगे, यहाँ पर उसको एक्शन पर क्लिक करना होगा। जब वो क्लिक करेगा तो वहां पर उसको जो है नेक्स्ट अवेलेबल डेट जो आप, अच्छा देखिये ये सब चीजें तो वो नहीं कर रहा होगा, ये तो हम वही उसी को करना होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पर हमको कैसे होगा, ये जो डेट है वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही हमको रिक्वेस्ट भेजेगा ना कि पर्टिकुलर डेट पर उसको करना है। मैं आपको वो जब यूजर पैनल बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या कर रहा होगा वेबसाइट के ऊपर। वही बताओ। ओके ठीक है, ठीक मैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी एडमिन पैनल में कंप्लीट बता दे रहा हूँ कि जब रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पर हम यहाँ पर पेंडिंग बोलकर आएगा स्टार्टिंग में, तो आप उसको जब अप्रूव करना चाह रहे हो या रिजेक्ट करना चाह रहे हो यहाँ पर आप कर सकते हो, वो डिनाय करना है, अप्रूव करना है या सेम स्टेट में रखना है। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे तो उसको एक ईमेल जाएगा कि ठीक है आप 7 दिसंबर के बजाय आप 10 सितंबर को आ सकते हो। ओके ठीक है, पेंडिंग का मतलब ये है कि दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय अस, obviously यानी ये है कि उसने एक request भेजी है जो कि हमारी approval की pending है, it's pending for approval basically। जी right। Okay ठीक है, understandable। ये जो status है pending से approved हो जाएगा तब जाकर वो particular date पे आ सकता है। इसका मतलब है ये action वो अपने end से कर सकता है कि वो खुद ही अपने आप को वो place कर सकता है एक course से दूसरे course में। जी हाँ, आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके इसमें लॉग इन होकर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, आप यहाँ से देख ले सकते हैं, अप्रूव कर ले सकते हैं, उसको ईमेल भी जाएगा, उसको नोटिफाई भी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर्स हो गए, हमारा कैलेंडर हो गया, कोर्स कैलेंडर हो गया, कोर्स फिर कैटेगरी हो गए, फिर ये जो पॉपुलर कोर्सेस है हमारे, ये उतना कुछ ये नहीं है, जो हमारा होम पेज पे जो पॉपुलर कोर्सेस हम शो करना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, ये वाले ये जो हमारे पॉपुलर कोर्सेस है, ठीक है सही है, ये 6 कोर्सेस है, वो 6 कोर्सेस को हम यहाँ से ये करेंगे। सही है, अच्छा इनको हम चेंज भी कोई नया ऐड करना है? जी हाँ चेंज कर सकते हैं, कोई नया ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर 6 रहे तो हमारी वेबसाइट लुक एंड फील में अच्छी रहेगी, ज्यादा ऐड कर सकते हो आप यहाँ से जितने बोले उतने, लेकिन लुक एंड फील चेंज हो जाएगा उसको। हम 6 के लिए डिजाइन बना कर रहे हैं। सही, पॉपुलर कोर्सेज का हम देख सकते हैं जरा क्या एग्जैक्टली कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं वो? जी अच्छा ये है वो कोर्सेज, ओके ठीक है सही है, ये वाले सही है, तो वो बेसिकली वो जो आपका कोर्स पेज है वही इंफॉर्मेशन वहीं से बेसिकली। हाँ, वहाँ पर आप कंप्लीट कोर्सेज देख ले सकते हो, यहाँ 6 कोर्सेस है, ये कौन कौन से आ रहे, फिर अगर आप इनका ऑर्डर अगर चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ ऑर्डर्स भी हैं, पर्टिकुलर उस पर क्लिक करके उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, यानी कि अब ये फर्स्ट है उसको आप लास्ट करना चाह रहे हो तो
तो लास्ट वाले को फर्स्ट करना है और फर्स्ट वाले को लास्ट करना है। जो इसका एडिट का ऑप्शन है वो उसपे क्या क्या एडिट के आइटम्स आ रहे हैं देख सकते हैं ये वाले, ये कोर्सेस हैं पर्टिकुलर। अच्छा बस कोर्स सेलेक्ट करना है उसको ऑर्डर दे देना है बस, ऑर्डर वो ऑटोमेटिकली पॉप कर लेगा, पूरे इंफॉर्मेशन वहां से ले लेगा शो करने। फेयर इनफ, ठीक है ओके जी। सही है, ऐड करने का भी वैसे ही है, ऐड करना भी वैसे ही है, नॉर्मल सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली जितने ऑर्डर्स हैं उसका नेक्स्ट अगर है सेवन है, जैसे सिक्स है ये ऑटोमेटिकली सेवन आ जाएगा, ठीक है नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है होगा। फिर नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल्स, हमारे पास जो कंप्लीट टेस्टिमोनियल्स हैं हम यहाँ पर देख ले सकते हैं कितने 12 टेस्टिमोनियल्स है यहाँ पर है। अगर नया ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से ऐड टेस्टिमोनियल्स है, पर्टिकुलर किसने ऐड किया टेस्टिमोनियल बाय किसका है और पर्टिकुलर डेट और उसका जो मैसेज है यहाँ डालकर सबमिट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर जो हमारे टेस्टिमोनियल्स है ये वाले जी ये एक है, फिर और ये हमारा टेस्टिमोनियल पेज है यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि मैं टेस्टिमोनियल डिलीट भी कर सकता हूँ राइट? जी आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये टेस्टिमोनियल्स है व्यू टेस्टिमोनियल्स, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ओके ठीक है फेयर इनफ, सही है। अच्छा डिलीट का मतलब ये होगा कि ये कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएगा, इसे हम रिट्रीव नहीं कर सकते? जी हाँ रिट्रीव नहीं कर सकते। ओके ठीक है सही है, वरना डिलीट में नॉर्मली ये होता है ना कि पहले वो आपको कोई रिसाइकल बिन में डाल देता है या ऐसा कोई चीज नहीं होगी? जी नहीं वैसा नॉर्मली नहीं, ये आपको पहले इन्फॉर्मेशन ये करेगा कि डिलीट करना है या नहीं, आपको पॉपअप आएगा डिलीट करने के बाद तो आपसे वेरीफाई कर लेगा कि करना भी है या नहीं, गलती से तो नहीं कर दिया आप? जी हाँ जी हाँ। ओके ठीक है फेयर इनफ, आगे चलते हैं। उसके बाद है रिसोर्सेज, सही है रिसोर्सेज से ये हमारे जो रिसोर्सेस हैं ओके ये वाले डाउनलोड हमारे पीडीएफ फाइल्स जो हैं ठीक है ये आपको ऐड कर सकते हैं यहाँ से, सही है ठीक है। रिसोर्स पर्टिकुलर रिसोर्स नेम देना है, फिर जो उसके ऊपर जो कवर इमेज आ रही है फोटो वो देना है और जो रिसोर्स फाइल है आपकी पीडीएफ वो फाइल अपलोड करना है। अच्छा इसमें अपलोड करने के लिए ऑप्शन हमारे पास सिर्फ पीडीएफ ही है या वर्ड वगैरह भी कर सकते हैं? इसमें पीडीएफ है नॉर्मल, ये भी रख सकते हो आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो। ठीक है फेयर इनफ, ठीक है ठीक है। आप चाहिए तो अगर आप चाहे तो ना तौसीफ यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा कि कौन सा टाइप हो सकता है डॉक्यूमेंट का या कहीं। हाँ मैं बता दूंगा, नहीं आप अगर आप जो भी अपलोड कर रहे हो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझको बोल दीजिए, मैं उसको उसके रिस्ट्रिक्शन में से भी हटाकर अपलोड कर दूंगा, पहले आप चेक कर लीजिए अगर आपका कोई नया फॉर्मेट है कोई प्रॉब्लम। सही है फेयर इनफ। फिर यहाँ पर है हमारे ब्लॉग, सही है ये ब्लॉग कैटेगरी ऐड होगा पहले, फिर उसके बाद पर्टिकुलर ब्लॉग होगा, जिस तरह हमारा कोर्स ऐड हुआ सेम उसी तरह रहेगा। ठीक है ब्लॉग तो अहमद कर रहे हैं जी, उन्होंने कर रहे हैं, इसलिए आपको उतना इसमें भी नहीं जाऊंगा डीप में, ब्लॉग में वो कर लेंगे। फिर ये वेब मेनू है कि कोई नया पेज जैसे प्राइवेसी पॉलिसी है या टर्म्स एंड कंडीशन, तो नए पेज कोई भी अगर नया पेज वेबसाइट पे शो ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। सही है ठीक है, ये कंप्लीट पेजेस हमको यहाँ पर शो होंगे ये वाले अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस, ये कंप्लीट जो हमारे 19 पेज पे अभी सपोज 19 पेजेस है पूरे वो हम आपको यहाँ पर शो होंगे। इसमें ये नहीं होगा जो हमारे कोर्स पेज है वो यहाँ पर नहीं आएगा, हमारे कोर्स छोड़कर जो हमारे दूसरे पेजेस है ठीक है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी प्रेस रिलीज के जो पेजेस है। अच्छा जैसे हमारे वो यहाँ पर वेबसाइट के नीचे आ रहे हैं कि उसपे कोई प्राइवेसी पॉलिसी है ये वो चीजें हैं वो कहाँ नजर आ रही होंगी? जी वो सभी चीजें यहाँ यही है, फिर ये जो ये प्रेस रिलीज है, फिर ये रिसोर्सेस हो गया, नहीं 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 ये जो और नीचे की बात कर रहा हूँ और नीचे ये वाली जो अच्छा ब्लॉग ये वाली चीजें हम यहाँ हमारी कोई प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह टाइप की कोई चीज हमने नहीं रखी थी यहाँ पे, रखी थी एक जमाने में, अभी नहीं रखी हुई, हमको रखना है, आपका कंटेंट अगर आएगा तो हमको उसको रख देंगे प्लेस कर देंगे। ओके अच्छा ठीक है जी, और इस ये हो गया। फिर उसके बाद है
वेब मेनू में अब जो हमारे फॉर्म्स है जैसे कि कॉन्टेक्ट है, इसमें सब्सक्रिप्शन तो आपने कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट का लगा दिया हुआ है, ठीक है, और रिक्वेस्ट कोड से जैसे कॉन्टेक्ट से जितने भी हमको मेल्स आए हैं वो यहाँ पर शो होंगे, आपको मेल ओके, भी ठीक आएंगे, है, एडमिन पैनल में आपको अगर चेक करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो इस ओके, तरह। ठीक है, ओके, सॉरी दोबारा से हम एक दफा चेक कर लेते हैं, कहाँ से गए हम ये कॉन्टेक्ट वेब पे आए, फॉर्म्स, सही है, वेबसाइट फॉर्म्स, ठीक यहाँ है, से हम कॉन्टेक्ट अस सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पूरे पेजेस आएंगे, यहाँ से हम व्यू करेंगे पर्टिकुलर जो भी व्यू करना है, बट कॉन्टेक्ट वो करेंगे सही तो है, हम यहाँ रीड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास एज एन ईमेल भी आ रही होगी इन एनी केस, राइट, जी हाँ, ईमेल भी आ रही होगी, ये हमारे एडमिन पैनल पर के लिए है। सही है, ठीक है, फिर अब जैसे फिर ये सब्सक्रिप्शन तो आपने अपना कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट लगाया तो यहाँ पर नहीं आएंगे वो, ठीक है, फिर ये रिक्वेस्ट कोड जो हमारे रिक्वेस्ट कह रहा होगा कोई, तो यहाँ सर हमको पूरा कम्प्लीटली व्यू होगा, हमारे जो फील्ड्स हैं कम्प्लीट यहाँ रहेंगे, वो जो फील्ड सबमिट किया है वो यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है, सही है, फिर जो कैरियर है सेम उसी तरह ठीक है, फेयर इनफ, अच्छा जो इस तरह। इसमें जो कैरियर वाला है मामला, उसके अंदर क्या चीजें वो अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, लेकिन अपना जो रिज्यूम है कॉपी पेस्ट कर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा फॉर्म है ना, हमारा क्लियर फॉर्म ओके, ठीक है, यहाँ पर, ये सही है, कंप्लीट फाइल फील्ड्स आपके हैं वो वहाँ पर शो होंगे, ओके, ठीक है, वो रिज्यूम अपना पेस्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है, तो यहाँ सही पर है, जो रिज्यूम उसने पेस्ट किया है वो यहाँ पर कंप्लीट शो होगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास कहाँ पर आएगी इसकी ईमेल की, किसी ने रेज्यूमे सबमिट किया है, ये जो ईमेल आएगी और ईमेल के साथ साथ आपको यहाँ पर भी एक आ जाएगा, ठीक है, सही है, सही है, अच्छा चलिए, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं तौसीफ के ये हमने कवर कर लिया है क्या, जी अच्छा अब सर वो पॉइंट्स देख लेते हैं, वो जो पॉइंट्स थे कि उसमें से हमने कौन कौन से कवर कर लिए, जी हाँ, देख लीजिए आप, ये एडिंग कोर्स है, एक्यूटेस कोर्स का हमने ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है, और फिर कोर्स कैलेंडर, आपको कैलेंडर में भी आप किस तरह ऐड करना है वो भी देख लिया आप, ठीक है, फिर इसीलिए मैं ये दो पॉइंट है मैं इसलिए बोला था आपको अलग अलग एक बार बता दूं तो आप समझ में आ जाएंगा कि आपके पॉइंट क्या है, फिर ये एडिट टेक्स्ट यानी कि कोर्स पेज को आपको एडिट किस तरह करना है वो है, ठीक है, तो वो तो बेसिकली एडिंग आप रिज्यूम, वो लिस्ट खोल लेंगे कोर्सेज की जाके और एडिट करेंगे जी और हाँ एडिट करने के बाद चेंजेस कर लेंगे सिंपली, जी हाँ कर ले सकते, ठीक है, फिर ये सही है, एडिट रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेस है आप जो ठीक रिसोर्सेस है, आप ऐड करना चाहे सकते हैं, सही है, फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल भी मैंने आपको बता दिया किस तरह ऐड करना है, ठीक है, फिर डिस्काउंट जब हम कोर्स पर्टिकुलर शेड्यूल क्रिएट करते हैं उसी टाइम हम डिस्काउंट भी क्रिएट कर ले सकते हैं नीचे, ठीक है, नया कोर्स जब ऐड कर रहे हैं तो कैटेगरी अगर ऐड करना है तो कैटेगरी के साथ कीजिए, या फिर ऑलरेडी जो डिफाइंड कैटेगरीज है वो कैटेगरी लेकर कोर्स ठीक है, ऐड कर ले सकते हैं, ठीक है, और डिलीट करना है तो वहीं पर जैसे एडिट कर रहे हैं वहीं राइट साइड में डिलीट है, सही आप है, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर एनी अदर रिलेवेंट तो हमने ऑर्डर्स वगैरह रिक्वेस्ट कोड वगैरह हमने सब देख लिए हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट एडमिन पैनल, आपके 8 पॉइंट क्लियर हुए हैं, मैं आपको देखता हूँ यूजर को जनरेट हमारी लाइव वेबसाइट पर, एक काम कर लेते हैं तौसीफ, एक डिस्काउंट कोड लगा के देख लेते हैं क्योंकि मुझे वो एक दो कोर्सेस पे लगाना है डिस्काउंट कोड, आप जरा दे वो कर दीजिए लेते कौन हैं सा काम, है, जी आप दे दीजिए कौन सा है मैं बता दूं, चलो ठीक है, जैसे हम लगाते हैं अभी इंटरनल ऑडिटर कोर्स जो जनवरी में हो रहा है उस पे लगा देते हैं आज से डिस्काउंट कोड, अब जैसे आप बोल रहे हो ना, मैं ये सर्च पर मैं टाइप कर रहा हूँ इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग, यानी कि वो फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर अब इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग है, पर्टिकुलर किस डेट के लिए लगाना चाह रहे हो आप, ये इस वाले पे जनवरी 21 22, जनवरी 21 22, ये एडिट किए हमने ठीक यहाँ है, पर, ये कूपन आप जो लगाना चाह रहे हो कौन अच्छा सा कूपन का हिसाब हम से, को कूपन को हम नाम दे देते हैं आई ए, आई ए ए टी ए सी आई ए ए ए टी ए टी ए टी जे ए जे ए 21 21, ठीक है,
अच्छा अभी इसमें इसमें बोलिए। अच्छा अभी अभी आप ये देखिएगा कि इसके अंदर अभी क्या प्राइस आ रही है इसकी, अगर हम वेबसाइट पे चेक कर लें, जी एक मिनट। वो टैब पे अगर आप चले जाते हैं इक्विटीज की वेबसाइट के टैब पे, ये हाँ देख ले भी क्या आ रही है प्राइस। 580 हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है, समझे? फाइनल नहीं, डिस्काउंट इंटरनल ऑडिटर, बाजू वाला 800 ये वाला। जी। हाँ इंटरनल ऑडिट, सॉरी 800। अच्छा तो इसपे हम, अच्छा अगर हम इसको कर देते हैं, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 890 राइट, जी हो 890 थी, तो डिस्काउंट नाइनटी इसको 690 कर देते हैं डॉलर। 690 पर आना है, यानी कि हमको 110 का डिस्काउंट देना है, 110 डॉलर। तो हम यहाँ पर देंगे 110 डॉलर। ये ठीक जब है जितना देंगे तो ऑटोमेटिकली 690 हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ, कब से कब तक हम आप इसको ये करना चाह रहे, वैलिड? आज से लेकर, और हम या कल से ले लें, कल से लेकर और जिस नहीं, दिन कोर्स, प्रीवियस डेट नहीं आएगी, प्रीवियस वही होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम? जी आज से लेके हम इसको कर देते हैं जब से कोर्स शुरू हो रहा है, यानी 20 जनवरी तक, 21 जनवरी। ओके 20 जनवरी तक, यानी जी, 20 जनवरी, ये रहा ओके 21 से तो ट्वेंटी कुछ शुरू हो रहा जी राइट है, ठीक है ना? जी। तो तो ये देखिए हम अभी कर करा देते है हैं, ठीक है? तो ये हो गया राइट। अच्छा जी। इसको अभी हाँ हमें अपडेट करना होगा, जी, यहाँ पर सिर्फ अपडेट करना है, रीसेट नहीं, यहाँ अपडेट है, ये अपडेट करना है, सही ये मैं है अपडेट कर दिया। सही है। तो अब आप जब यहाँ पर जाएंगे, ये अगर मैं आपके वाला कोर्स पे जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं इस कोर्स है, पे ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको, वो जो कोड है मैं आप कॉपी कर लिया था, यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। सही जब है हम इसको ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगे तो ये देखिए 110 आ गया, जितना ठीक है डिस्काउंट है वो आ गया, ये 690 ऑटोमेटिकली हो गया। ओके ठीक है, जबरदस्त। अच्छा एक और पे लगा देते हैं कोड इसी तरह से, जी लीड ऑडिटर पे लगा देते हैं जनवरी वाला, 25 जनवरी। ठीक है ओके। अभी हम इसमें कितना दे रहे हैं प्राइस देख लीजिएगा जरा, वन अच्छा सही है। इसको पे अगर हम 300 डॉलर उसकी लिस्ट प्राइस पे देते हैं, 1790 पे 300 अगर हम दिए तो कितना हो जाता है, 1490 राइट, 1490, 1490। अभी है 1790, उसको आप कितना करना चाह रहे हो? हम करना चाह रहे हैं इसको 1490, यानी 121 का डिस्काउंट हो जाएगा शायद, चेक कर जी लीजिए। हाँ, तो 300 टोटल देना चाह रहे हो, उसमें से आप ऑलरेडी 179 का दे दिए हैं, तो सही है 121 का होगा, ठीक है तो 121। इसका कूपन क्या रहेगा? इसका कूपन हम कर देते हैं LA ऑल ए 80 टी JA जे 21। ए असल ट्वेंटी में वन मैं इस तरह का बना लिया हूं तौसीफ, आप भी एडवाइस करो कि LA से मुराद है लीड ऑडिटर कोर्स, जी ओके। AT से मुराद है कि अबैकस ट्रेनिंग, यानी हम ऑफर, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि हम ये किसी और थर्ड पार्टी की उस पर भी होस्ट करेंगे तो हम उसका फिर एब्रिविएशन जी चलेगा डाल देंगे वहां पे, ठीक है। जी। JA मीन्स जनवरी में कोर्स हो रहा है, 21 का मतलब है ईयर 21, जी बेहतर है है ना? तो जी इससे आपको पूरा पता चल जाता है कि आप क्या कोर्स क्या है, कौन जी ऑफर कर रहा है, जी किस महीने में हो रहा है,
और उस पर कितना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ चलेगा। मैं ये भी चाह रहा था कि अगर आप इसी में अमाउंट अगर डाल दें कि पर्टिकुलर अगर जैसे 121 है उसके आगे या फिर इनिशियली अब कहीं, तो वो भी बेहतर है कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो उसी में समझ में आ जाएगा। हाँ वैसे ये भी आप अच्छा कह रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, अभी तो ये देते हैं कि फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसकी एक स्कीम बना लेता हूँ मैं इसकी ना, कि किस जी तरह से चलिए। लेके चलना है। फिर उसके बाद हम, अच्छा इसमें ये बताएं कि एलए कोर्स तो और भी डिफरेंट क्वालिटी के भी हैं, दूसरे भी हैं, तो ये सही रहेगा ये डिस्काउंट का जो है मेथडोलॉजी? हाँ मेथड बेहतर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए है ना, जब वो कोर्स चेक करेगा उस टाइम पे चेक कर लेगा कि जो एब्रीवेशन है पर्टिकुलर इसी कोर्स से रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा उसको। चले ठीक है, चले मेरे ख्याल इसको हम फिर कर देते हैं आज ही से। जी ये 24 जन तक रख दो। जिस दिन से शुरू हो रहा है कोर्स, 25 को शुरू हो रहा है, 24 जन तक कर देते जी। सही है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। हमारा कोर्स क्या था? आई एल ए ए टी जे ए 21 ठीक है जी जी। पहला वाला भरे आप चाहे तो निकाल दें भी उसमें से, पूल में से। कुछ स्पेलिंग गलत आ रही है, एल ए ए टी जे ए 21। ये दो कोर्सों की वजह से तो नहीं हो रहा मिक्सअप? नहीं नहीं कुछ तो भी पॉइंट प्रॉब्लम हो रहा है, देखता हूँ मैं स्पेलिंग मेरे गलत हो रहे होंगे। अच्छा डेट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं रहा, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है आपकी तरफ? हाँ हो सकता है, राइट राइट ये भी हो सकता है, ये मैं पिछले डेट 19 दिया हूँ ना आप, ये इसलिए भी हो रहा होगा, मैं इसको 18 कर लेता हूँ। हाँ क्योंकि अभी अभी दिन चेंज नहीं हुआ जी, राइट वही प्रॉब्लम हो रहा है। राइट वही था प्रॉब्लम, वही था ना? सही जी राइट सही है, सही है, बिल्कुल जबरदस्त हो गया मेरे ख्याल है। आई थिंक वी गुड जी। अगर आप कोई यूजर अगर इसको डिलीट भी करता है तो पर्टिकुलर डिस्काउंट माइनस हो जाएगा और जो ओरिजिनल प्राइस है वही लग जाएगी 1681। अच्छा मुझे ये बताइए ना तौसीफ के, जैसे यहाँ पे हर चीज हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स अप्लाई होता है, तो यहाँ पे कोई टैक्स वैक्स वाला इश्यू नहीं है या होता है आगे जब पेमेंट प्रोसेस करते हैं तो? नहीं आपको नहीं, मुझको देना होता तो मैं लगा देता, अगर आपने कुछ दिया ही नहीं ना टैक्स तो ऑप्शंस। अच्छा ओके ठीक है ठीक है सही है, क्योंकि मैं सिर्फ सोच रहा था कि क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज पे टैक्स होता है, टैक्स लग रहा होता है, लेकिन आई डोंट नो सभी साहब से मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ है तो वो मैं आपको फिर बता दूंगा, फिर शायद आपको उसमें ऐड करना पड़े कोडिंग में। ठीक है चलेगा, बता दीजिए देख। चले ठीक है, चले मेरे ख्याल काफी हद तक तो कवर हो गई है चीजें, राइट है ना जी। अच्छा अगर मैं जैसे ये नॉर्मल यूजर देखना चाहूँ तो मैं कहाँ जाके देख लूंगा ये अपने डिस्काउंट कोड्स? एडमिन पैनल में ही आपको यहाँ पर जाना है, पर्टिकुलर जो हम शेड्यूल्स ऐड किए हैं जैसे कि अभी 25 जैन का हमने किया था यहाँ पर, उसको एडिट करना है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर आप देख ले। ये कैलेंडर भी हम जा रहे हैं? जी 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 कैलेंडर में, कैलेंडर में कोर्सेज में ये जो कैलेंडर है हमारा ये वाला यहाँ पर व्यू शेड्यूल ठीक है, शेड्यूल में ये जो कंप्लीट लिस्ट है हमारी उसमें हमने कहाँ ऐड किया हमको मालूम है, 25 को ऐड किए हैं, ये 25 को ऐड देख लेते हैं तो एडिट कर लेते हैं। सही है, फेयर इनफ। फिर आपको मैं जो चेंज ऑफ रिक्वेस्ट जो बता रहा था कि अब जैसे मैं लॉग इन एज ए यूजर किया हूँ तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट ऑर्डर्स यूजर के जितने ऑर्डर्स किए हैं उसने यहाँ पर आएगा, ठीक है ये वाला ऑर्डर्स है, जब मैं इसको व्यू करूंगा तो कंप्लीट उसको इस तरह शो होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए तौसीफ के मैं कोर्स वाइज देख सकता हूँ कि कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है मेरे पास, कोई ऐसी रिपोर्ट निकाल सकता हूँ मैं जिससे मुझे अगर मैं देखना चाहूँ
कि मेरे लीड ऑडिटर कोर्स में कितनी इनकम हुई, कितनी रजिस्ट्रेशन हुई? वैसे तो अभी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली अगर आप लिस्ट फिल्टर करना चाह रहे हो वहीं का वहीं, तो आप कर ले सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर्स है, ये वाले जो हमारे ईमेल्स हैं जी, नहीं उस तरह तो नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे से सोच रहा था कि कोई रिपोर्ट्स का भी कोई ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास। हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये करने लेना चाहिए ये ऐड, आप क्या समझते हो कि ये रिपोर्टिंग का जो ये सारा सिलसिला, इसमें कोई हमें ऐड ऑन डालना होगा रिपोर्ट्स का? हाँ, ऐड ऑन करना होगा, पूरा फिल्टर करके एक रिपोर्ट का अलग से मॉड्यूल आएगा, उसको ऐड करना होगा, क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो कितना टाइम लग सकता है इसमें अगर हम ये रिपोर्टिंग का कोई ऑप्शन इसमें डाल दें? अभी डिपेंड करेगा कि हमको रिपोर्ट्स में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, उसके हिसाब से अगर आप मेल करेंगे तो मैं उसका हिसाब से देख कर आपको टाइमलाइन दे सकता हूँ डिटेल्स में। अच्छा देखिए, आप क्या समझते हैं? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि आप, आपकी कोई रेवेन्यू रिपोर्ट निकल के आ जाए कि भाई एक एक कोर्स में कितने लोग रजिस्टर हुए, कितने आपके पास पैसे आए, इस प्राइस क्या थी, डिस्काउंट कितना था, कितनी प्राइस पे रजिस्टर हुए, कितने पैसे आए आपके पास, सो ऑन सो फॉर्थ, इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ रही है तो फिर तो बहुत अच्छा है। जी जी, जो यानी आई डोंट नो हम क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर तो यही होता है, आप इंटरेस्टेड यही होती है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई इस साल जो मैंने कोर्सेज ऑफर किए आपने कितना रेवेन्यू कमाया सारे कोर्सेज से, एक कोर्स से कितना रेवेन्यू कमाया नहीं कमाया, कमाया व्हाटएवर जी, ये तो देखना पड़ेगा मुझको बैठ करके, पर्टिकुलर कितना वर्क है उस पर कितना टाइम लगेगा वो हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ। ऐसा कोई एड ऑन है यानी इस पे कोई ऐसी आप कोई रिपोर्ट्स का कोई इसके अंदर यानी आप कोई प्लग इन कर सकते हैं रिपोर्ट्स का अगर आपके पास कोई वो हो तो? आपको मैं पहले ही बोला .NET है, .NET में हमको कोई प्लग इन डायरेक्टली मिलता ही नहीं है, हमको सबको पर्सनल और अब कोर्ट हमको जो है। हेलो 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 जी, अब आपकी आवाज आनी शुरू हुई है जी, अब आपकी आवाज। हाँ जी, जरा से नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह है कंप्लीट हमारा। आपको वो दिखाना था कि यूजर जब पर्टिकुलर लॉगिन होगा तो उसका इस तरह रहेगा डैशबोर्ड कंप्लीट, इतने ही फील्ड्स रहेंगे उसके। ओके, फिर उसके जो ऑर्डर्स है कंप्लीट ऑर्डर्स होंगे, फिर कंप्लीट चेंज ऑफ रिक्वेस्ट है तो अगर कोई ये करना चाह रहा तो उसके जो यहाँ पे आप जैसे अप्रूव हो गया, ठीक है ये वाला, उसको यहाँ पर ऐसे आएगा कि वो उसका जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो चुकी है। सही है, ठीक है। अच्छा ऐसा कीजिएगा कि एक आप कह रहे थे ना कि आप वेबसाइट से बता देंगे कि चेंज रिक्वेस्ट वो कहाँ डाल रहे हैं। जी मैं वही बता रहा था कि यहाँ जब कोई ऑर्डर्स आएंगे पर्टिकुलर, जब वो ऑर्डर करेगा तो उसके डेट के हिसाब से, यानी कि अब कोर्स है वो कोर्स रहेगा तब तक ही वो चेंज कर सकता है। यहाँ पर अब जैसे कि डेट है 12 नवंबर 2020, ये डेट चली गई तो यहाँ पर उसको ऑप्शन नहीं आएगा व्यू में, यहाँ पर एक एक्शन का बटन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर वो बटन पर उसको डेट्स आएंगे। अभी यहाँ पर हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये हमें पता कैसे चल रहा है कि ये बंदा किस कोर्स में रजिस्टर किया है इसने, ये ऑर्डर किस कोर्स का है? जी मैं यहाँ बताता हूँ, ये देखिए चेंज ऑफ रिक्वेस्ट का हमारा ये फॉर्म है यहाँ पर, राइट right? यहाँ पर ये कोर्स है, यहाँ पर कोर्स टाइटल पर्टिकुलर कौन सा कोर्स था, ये तो आ उसका रहा है। जो ऑर्डर, हाँ उसका जो ऑर्डर आया था हमारा वो ऑर्डर नंबर रहेगा, फिर किस यूजर ने ऑर्डर किया है उसका ईमेल आएगा। वो तो या इस पेज पे तो नजर आ रही है लेकिन अभी हम इससे पहले जो पेज देख रहे थे जो स्क्रीन देख रहे थे मेरा पे नजर नहीं आ रहा, वो यूजर का डैशबोर्ड है, ये यूजर डैशबोर्ड है, उसको खुद को पता होगा कि कहाँ पर है, ये व्यू कर लेगा जब उसको पता चलेगा कि मैंने कोर्स कोर्स के लिए यहाँ पर, ये यूजर का डैशबोर्ड है, यूजर का लॉगिन। जी हाँ ये यूजर लॉगिन है, एज एडमिन ही है मैं उसको, एज यूजर देख रहा हूँ यहाँ।
अच्छा ये एडमिन यूजर जो पैनल है, ठीक सही है, अच्छा यूजर जो है तौसीफ, वो कैसे ठीक अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है? वो गूगल के थ्रू कर सकता है अगर उसका गूगल अकाउंट है तो? जी हाँ, गूगल के थ्रू कर ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, सही है। मैं आपको भी बता रहा था, अभी ये जो चेंज ऑफ रिक्वेस्ट है हमारी, यहाँ पर ईमेल है, पर्टिकुलर किस डेट पर था, अभी जो जो रजिस्टर किया था वो 7 दिसंबर को किया था, सही है। तो अब वो 7 दिसंबर से किसी और टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि 7 सितंबर 10 सितंबर के लिए उसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट चले जाएगी एडमिन को, तो वो एडमिन यहाँ पर पेंडिंग आएगा, जब यहाँ से एक्शन से जब उसने अप्रूव कर दिया, ये वाला अप्रूव कर दिया, तो डायरेक्टली वो वहां पर एक्शन आ जाएगा अप्रूव्ड। ओके, ठीक अब है, जैसे मैं पेंडिंग रख रहा हूँ तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा पेंडिंग, ठीक है, इस तरह। सही है। यानी कि जब कस्टमर हमें रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारे पास पेंडिंग आ रही होगी, हमें सिंपली उसको डिनाई या अप्रूव करना होगा। डिनाई अप्रूव, अब जैसे कि ये पेंडिंग है, जब ये यूजर डैशबोर्ड है, उसने ठीक ऐड है, किया, ये कर दिया, तो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग है, जैसे अभी मैंने स्टेटस वहाँ चेंज किया हूँ, तो यहाँ पर उसको इनिशियली पेंडिंग आएगा, ठीक है, फिर आपके पास भी एडमिन पैनल में भी पेंडिंग आएगा, फिर यहाँ से आपको क्या करना है कि वो अप्रूव कर करना है या नहीं करना है, वो यहाँ से आएगा, अप्रूव करना है अप्रूव, डिनाई करना है डिनाई, तो ये अप्रूव है ठीक है, सब में, जैसे अप्रूव करेंगे, यहाँ पर अप्रूव हो गया, ऑटोमेटिकली जो यूजर का जो ये फॉर्म है यहाँ पर भी उसको जो जो पेंडिंग है अभी ये वाला वो अप्रूव हो चुका है, जैसे वो लॉग आकर चेक करेगा, ये देखिए अप्रूव, ठीक है। अच्छा, यूजर के पास की ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है एक कोर्स से दूसरे कोर्स में? जी हाँ, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए आपकी एडमिन एग्जैक्टली पैनल। ठीक है। अच्छा, वो सिर्फ डेट सेम ही होगा, वो किसी दूसरे कोर्स में तो हॉप इन नहीं कर सकता? जी नहीं करेंगे, वो सिर्फ यही कोर्स, पर्टिकुलर जो ये कोर्स है वो अवेलेबल कौन कौन से डेट पर है, नेक्स्ट डेट पर, ये 7 दिसंबर छोड़कर नेक्स्ट कहाँ पर अवेलेबल है, बस वही स्लॉट वो बुक कर सकता है। ठीक है, यानी वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि इंटरनल से लीड में अपने आप को बुक कर ले? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि देखना वो पैसे बदल जाएंगे तो वो फिर तो आप नहीं कर सकते उसमें। जी हाँ, जी हाँ, इसीलिए तो आप डिनाई कर ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपको फिर से अप्लाई करना होगा, नया परचेस करना होगा कोर्स, अच्छा, तो इस तरह ऐसा होता है कि अगर एक एक स्टूडेंट है वो उसने इंटरनल ऑडिट में रजिस्टर करवाया, मैं वैसे एक सिनेरियो बता रहा हूँ, और वो जी मुझसे कहता है कि अच्छा नहीं, अब मैं इंटरनल नहीं कर रहा, अब मैं लीड ऑडिटर में करना चाह रहा हूँ, तो मुझे डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो मैं पे कर देता हूँ, आप मुझे उसके अंदर अप्रूव कर दें लीड ऑडिटर में? वो जी हाँ, वो उसका जो प्रोविजन है इसमें नहीं है, वो आपको पर्सनली कर लेना होगा उसको वहां पर ले लेकर। अच्छा, ये मुझे उसको फिर मैं अगर यहाँ से डिलीट करता हूँ अगर मैं उसको, तो मैंने उससे पेमेंट तो पकड़ लिया था इंटरनल ऑडिटर की, जी हाँ, तो आप मैं ऑर्डर कैसे? यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हो ईएमआई में, ओके, आप ठीक ऑर्डर है, से व्यू कर सकते हो, यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमको अच्छा ये तो, रखना होता है, हम डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा तो अब मैं उसको क्या कहूंगा, या तो मैं ये करूँ कि उसको एक डिस्काउंट कोड बना के भेजू जो कि इतना लोअर हो कि वो उतने मेरे पास जी पैसे आ जाए जितने पैसे मुझे मजीद चाहिए, जितने वो बेहतर पे है, कर बेहतर पाए? जी, बेहतर, बेस्ट ऑप्शन है आपका, जो आपने जो सोचा है बहुत है बेहतरीन है, ना, आप जो चाह रहे हो वो हिसाब से वो पर्टिकुलर उसी कोर्स को है ना, जैसे आप अगर फर्ज करें 2,500 का कोर्स है और 1,000 जी वो मुझे पे कर चुका है, तो मैं अपने जी लीड ऑडिटर की कोर्स को 1,500 कर देता हूँ डिस्काउंट दे देके कि वो मुझे करेक्ट 1,500 पे की पेमेंट कर दे। हाँ, जैसे ही उसकी पेमेंट हो जाएगी फिर आप वो डिस्काउंट डिलीट कर सकते हो, कूपन बेहतर ऑप्शन है वो मैं डिस्काउंट दूंगा ही उसको 1 या 2 दिन के लिए, जी, बेहतर है, बेहतर है, बेस्ट ऑप्शन है ना, उसका मैं एक जी, दिन के लिए वैलिड दूंगा, मैं कहूंगा भाई 24 आवर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, तो इसके अंदर है, बहुत फॉरन से, बेहतर है ना, जी, आप अगर किसी कारण अगर चेंज ना भी कर सकें तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं बेहतर ऐसे कर लूंगा, जी ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, तो जी उसी फिर हले आई थिंक सही है हम लोग, अगर कोई चीज जी हुई तो फिर मैं आपसे वक्तन फवक्तन गाइडेंस लेता रहूंगा एज वी गो अलोंग, ठीक है ना। जी अच्छा हाँ, बेहतर, दोस्तों बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जी, वो
मैं आपसे अभी डिस्कस ही कर लेता हूँ, या चाहे तो हम इस सेशन को की रिकॉर्डिंग को एंड भी कर सकते हैं, फिर मैं उसके बाद आपसे डिस्कस। ओके, बड़ा हो जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। चलिए ठीक है।